कायलाक पशु आहार, संपूर्ण पोषण दूध की बहार। कायलाक का वादा सेहत और लाभ सबसे ज्यादा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। साथियों नमस्कार, आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं कि अगर आप अर्डर बढ़ाने के चक्कर में, यानी कि अर्डर गादी बढ़ाने के लिए अक्सर पशुपालक भाई क्या करते हैं, विटामिन एच की जो सिरप आती है वो सिरप अपनी गाय भैंस को जब वो प्रेग्नेंट होती है उस समय देती है। अब कंपनियों वालों को भी क्या पता चल गया है कि आहा विटामिन एच सभी पशुपालक दे रहे हैं, तो जितनी भी कंपनियां अभी मार्केट में हैं सारी की सारी कंपनियां विटामिन एच बनाने लग गई। अब वो जो विटामिन एच जो है अंधाधुंध इस्तेमाल हो रहा है, यानी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल विटामिन एच का हमारी गाभिन गायों भैंसों के लिए हो रहा है। और जब ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो इसके आजकल जो शिकायतें आ रही हैं वो नेगेटिव बहुत ज़्यादा आ रही है। मेरे पास कम से कम 2 कॉल पर डे ऐसे आ जाते हैं कि हमने विटामिन एच दिया, अर्डर तो बढ़ गया, लेकिन अब जब वो ब्या गई है, उसने बच्चा दे दिया है, लेकिन अब दूध नहीं निकल रहा, क्या करें। पिछली बार 15 लीटर दूध वाली इस बार 12 लीटर मुश्किल से दे रही है, अब क्या करें। यानी ये परेशानी पशुपालकों के साथ आ रही है और ये प्रैक्टिकली बात है, आपके साथ भी ऐसा हो सकता है अगर आप विटामिन एच की ज़्यादा डोज दे रहे हैं तो उस ज़्यादा डोज की वजह से जो दूध कम हुआ है उसे आप कैसे दूर करेंगे। तो देखिए, उसे दूर करने के लिए आपको 2 प्रकार के टॉनिक और इस्तेमाल करने पड़ेंगे। यानी पहले किया था हमने मल्टीविटामिन के रूप में विटामिन एच वाला सिरप, तो अब 2 टॉनिक आप और लीजिए, क्योंकि विटामिन एच से क्या होगा, हो सकता है कि एनर्जी लेवल जो है जो ही गाय भैंस बच्चा देती है उसके बाद एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है, तो उस एनर्जी लेवल डाउन होने की वजह से दूध कम हो जाता है और उधर से बहाना बन जाता है विटामिन एच का भी, और कारण भी हो सकता है। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि कारण नहीं हो सकता, कारण भी हो सकता है, क्योंकि अर्डर जब बढ़ा है तो हो सकता है कोई परेशानी हो, पिछली बार की बजाय अर्डर बढ़ा है लेकिन दूध कम है, तो उसके लिए एनर्जी टॉनिक आप दीजिए। और एनर्जी टॉनिक में जो हिम शक्ति आता है या ग्लूका बूस्ट आता है, अगर आप फोटो देखना चाहते हैं तो मैं आपको फोटो दिखा देता हूं, ये लीजिए, ये जो एनर्जी टॉनिक है वो आप आराम से दे सकते हैं। इसके अलावा आगे अगर हम देखें तो दूसरी जो चीज़ है वो अच्छा सा आप मल्टीविटामिन और अच्छा सा आप कोई कैल्शियम यूज़ कर लें, जैसे आप फोटो में देख रहे हैं ऑस्टोवेट फोर्ट और वाइमरॉल, ये जो है ये कॉम्बिनेशन भी ठीक है, चल जाएगा, तो आप ये भी दे सकते हैं। यानी कि एनर्जी लेवल मेंटेन कीजिए, इसके अलावा ऑस्टोवेट फोर्ट और वाइमरॉल ये भी यूज़ कर लीजिए, यानी आप हिम शक्ति जो आपने अभी देखा या फिर ग्लूका बूस्ट, एनर बूस्ट, एनरडाइना एडवांस, बहुत सारे ऐसे एनर्जी टॉनिक आते हैं उनका इस्तेमाल कर लीजिए, और कैल्शियम और मल्टीविटामिन जो है इनका इस्तेमाल कर लीजिए, आपका श्योर दूध बढ़ जाएगा। लेकिन एक बात का आप ध्यान विशेष रखिएगा कि बच्चेदानी की सफाई होना ज़रूरी है। अगर आपने हमारा जो फॉर्मूला है वो नहीं दिया है, गुड़ अजवाइन सौंठ हल्दी और जीरे वाला, वो आप ज़रूर दे दें और बच्चेदानी की सफाई पहले करवाएं। बच्चेदानी की सफाई होगी उसके बाद ही उसका दूध बढ़ पाएगा। लेकिन हमें जो भ्रम हुआ है कि विटामिन एच की कमी की वजह से हमारे साथ हो रहा है, तो हो भी सकता है, क्योंकि एक पशुपालक भाई ने तो ये तक कहा है कि मैंने अपनी 3 गायों में से 1 को दिया, 2 को नहीं दिया, तो जिसको दिया उसके साथ ये समस्या है, जिसको नहीं दिया उनके साथ कोई समस्या नहीं है। तो भाई ऐसा कारण हो सकता है, आप इस तरीके से इन कारणों को दूर कर सकते हैं।